कुश्ती में अपना डंका बजा चुकी फोगाट बहनों को आखिरकार मैट मिल ही गया। फोगाट परिवार ने मैट मिलने का श्रेय जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को दिया। हमारे खास प्रोग्राम डायरेक्ट विद दिनेश में महावीर फोगाट ने कुश्ती का मैट ना मिलने का दर्द बयां किया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया और आज फोगाट परिवार मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेगा। करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद फोगाट बहनों को हरियाणा सरकार की ओर से कुश्ती का मैट नसीब हुआ। कुश्ती के दंगल में अपना डंका बजवा चुकी फोगाट बहनों को अब तक मैट नहीं मिला था। फोगाट बहनों के पिता महावीर फोगाट के मुताबिक सरकार से करीब 10-12 साल से कुश्ती के लिए मैट मांग रहे थे, लेकिन नए साल के मौके पर हरियाणा सरकार की ओर से मैट का तोहफा दिया गया है। और विशेष रूप से कहा कि यहाँ कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, तो स्पेशल सीएम साहब के आदेश और मंत्री जी के आदेश थे और हमारे एसीएस साहब खनेलवाल जी और डायरेक्टर जगदीप सिंह जी के कि जाके उनको मैट दो और जो भी कोई आवश्यकता यहाँ है खिलाड़ियों की सुविधा के लिए वो पूरी करने की हाँ भर के आना। ये कई साल के बाद 10-12 साल के बाद में हरियाणा सरकार ने जो सुनी है, जो आज हमारी जो मैट भेज दिया और जो एसीआर की जो कही है, तो आपने बनेगा और जो मुझे पूरी आस उम्मीद है अब जो सरकार हमारी बातें को सुन ली और पूरी हमारी अर्प करेंगे। गौरतलब है कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में महावीर फोगाट ने कुश्ती का मैच न मिलने का दर्द सुनाया था और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने महावीर फोगाट के इस दर्द को हरियाणा सरकार की चौखट तक पहुंचाया, खबर को प्रमुखता से दिखाया। मैच मिलने के बाद फोगाट बहने न सिर्फ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का शुक्रिया अदा कर रही है बल्कि मैच मिलने का श्रेय भी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को दे रही है। सरकार की तरफ से या फिर ये कहा जाए कि और संस्थाओं की तरफ से कोई सपोर्ट मिले क्या, कोई हेल्प मिले क्या, कोई मदद मिले क्या आज तक? देखिए, जो सरकार की तरफ से आज तक मेरे को कोई मदद नहीं मिली है। जिनके जिनके अवार्ड के पैसे होते हैं वो तो हर एक चाहे कुछ सरकार ने दिए हैं जी, लेकिन इसके अलग मेरे को आज तक जो मैट होता है जो कुश्ती का जी सबसे जरूर जी, आज तक मेरे पास वो मैट नहीं है। बबीता, किस तरह का लग रहा है अब आपको जब आपको ये प्रैक्टिस का मैट मिल चुका है? काफी अच्छा लग रहा है। मैं आपको जी पंजाब को शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आप लोगों की वजह से और आपने जो न्यूज दी है उसकी वजह से आज हमें मैट मिला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और काफी अच्छा लग रहा है कि आज हमें मिला तो सही, लेकिन कुछ दिनों लेट जरूर मिला, लेकिन मिला सही, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पता क्या आपको लगता है कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आपके हक की आवाज बना है कि आखिर जब ये खबर सामने आई तभी इस पर कार्रवाई हुई? बिल्कुल, आपने बार बार चलाया तो सरकार ने उसके ऊपर ध्यान दिया और आज हमें मैच मिला है, तो उसका श्रेय आपको जाता है कि आप लोगों ने जो इतनी अच्छी न्यूज दी है और सरकार को उसके ऊपर फर्क पड़ा है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल हमेशा ही जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाता रहा है और लोगों की आवाज बनता रहा है। हम आपको यकीन दिलाते हैं ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। नवीन शर्मा, जी मीडिया, भिवानी।